आज को गोजरी प्रोग्राम कारमा लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हैं। तो थारा मेज़बान मुश्ताक खालिद चौधरी थारी खिदमत में सलाम पेश कर है। नाजरीन कराम, उम्मीद करा कि तम सारा खैर सुख नाल होएगा और इस कोविड-19 का दौर में तमने सारा ने एहतियाती तदाबीर नाल अपना करामा अपना बच्चा ना अपना बुजुर्गों ना और बड़ा ना वे सारी एहतियाती तदाबीर करवाई होएंगी और उनको सही तरीका नाल पालन किया हुआ गो, जिसकी वजह तो हम इस कोविड-19 की बीमारी तो अपना आपना महफूज रख सकें। नाजरीन कराम, इस कोविड-19 का दौरानिया के दौरान हमने अपना प्रोग्रामा को सिलसिलो जोड़ा वो मुनकता करनो पियो थो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अनलॉक का इस पिछला दौरानिया में हमने इस प्रोग्राम का दोष मारा थारे सामने पेश किया। आज इस प्रोग्राम को यो हिस्सों लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हैं। हम अपना प्रोग्रामा में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौजूआत ने लेकर गलबात करता रहा, तो आज भी हमने अपना इस प्रोग्राम में दोहा मेहमाना ना दावत दी है और इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू ना लेके गलबात करेंगे, मारो आज को इस प्रोग्राम को मौजू है गोजरी जबान व अदब में सीआरएफ़ी की आमद, तो फिर सीआरएफ़ी की जो सिन्फ है वह किस तरीका ना लागे चली। आज हमने अपना स्टूडियो में जिस खास मेहमान ने दावत दी है वे किसी तारफ का मोहताज तो नहीं। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल गनी आरफ साहब वराना। ये एक शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं और गोजरी जबान व अदब के नाल शुरू का जड़ा पूर्मा जिन्हें गोजरी जबान की आबियारी की, गोजरी जबान का की रक्कड़ जमीना पनीरी लानी और फिर उन्ना सग लाणो, गोजरी जबान की आबियारी करनी, गोजरी जबान की साम संभाल करनी और पाल पोस करनी, उस काफिला में और गोजरी जबान की जड़ी तहरीक शुरू हुई उस काफिला में ये मोहरे रहे हैं और उन्ना बुजुर्गों उन्ना हस्तियों के नाल इन्होंने संगत की है और इन्होंने जबान की काफ़ी खिदमत की है। आज वे हमारे नाल स्टूडियो में तशरीफ रखें तो प्रोग्राम ना आगे बताता हूँ। उस सबसे पहला अब्दुल गनी आरफ साहब और इस प्रोग्राम में जी आया ना कहूँ थारो स्वागत है। आरफ साहब प्रोग्राम ना आगे बतावा थारा ते अपना नाजरीन के दरमियान एक गल रखना चाहूँगा कि गोजरी जबान में जड़ी सिन्फ सीआरएफ़ी की है जी। इसकी शुरुआत कद हुई और फिर इस सीआरएफ़ी की सिन्फ में किन किन शायरा ने शुरू में काम कियो, तम इस पर लोग कलेंगा ताकि हमारे नाजरीन इससे मुस्तफीद हो सके। मुश्ताक साहब असल में गुजरन जद जवाल आयो जी, ये हिंदुस्तान में राजा महाराजा था छोटी छोटी जगह यो तो जवाल आयो तो या जबान भी उसका शिकार हो गई जी। बड़ो अरसों तक पहले इसके भी बड़ी गोजरी की जदीद शायरी देखा हम जब नमूना मिले तो बड़ा अरसा दे बाद फिर वो महाराज जितना भी गुजर था उन्होंने पंजाबी को सहारो लियो। अच्छा, सीआरएफ़ी असल में पंजाबी माँ शुरू हुई है तो इसको मुअज्जद मोहम्मद बूटिया ने दसें कि सबसे पहला सीआरएफ़ी मोहम्मद बूटिया ने लिखी है। इख्तलाफ भी हो सके लेकिन शुरू में उन्होंने बड़ी खूबसूरत सीआरएफ़ी मौजूद भी हैं, बड़ा लोग गाएँ जबानी याद हैं वे जी। बड़ो अरसों मारा गुजर जाना है वे पंजाबी के भी शेर कहता रहे हैं उन तो मना बड़ा उन्होंने बचूमी है मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ वाला पसवाल उन्होंने सैफुल मलूक लिखी है पंजाबी में जी। तो मौलवी अब्दुल सत्तार था जिरा उन्होंने कराम मोहम्मदी लिखी है पंजाबी में, या इसी तरह मौलवी मौलाना दिल पजीर था उन्होंने किसस अल मुहसिनीन लिखी है यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसो पंजाबी में, इसी तरह लिखता रहा था। तो यो 20वीं सदी के लगभग हो कुछ उस बड़े जे तो जम्मू कश्मीर में भी आया तो हमारा दूजा लोगों ने हमारे ना बैर बरती हमना मुकाबला में बहसन नहीं दें था, एक जगह हम रोटी नहीं खा सकता था, एहसास से कमतरी का शिकार था। तो कुछ अलबेला लोग इस तरह से मैं सब दे पहला सुनियो था कि कित कित कोई एक टोटका कह छुड़े गोजरी में उसने आजम मजाक समझे कित दूजो कह छुड़े, तो इसी तरह चलता चलता सब दे पहला मैं जी बुजुर्गों से सुनी है गल वह यह है कि नून पुनशी होया है कोई जी, एक अब्दुल पुनशी होया है तो अब्दुल पुनशी ने को टूटा फूटा शेर कहता रहे था वे बड़ा उन्होंने सादो जो लिबास टूटा हुआ कपड़ा जी, कोई खाता नहीं पीन को कोई सबब नहीं कदे जा बैठा मैं फिर हंसता रहा रोन लगा तो रोन लग जाए। तो उन्होंने एक शेर सब दे पहला के हो कि अब्दुल जोर लिठा शक्लदार मंदा पुल तो नहीं बोला आर को यार मिना, तो यह आवाज कई दफा गूंजती रही इसके बीच। तमने अब्दुल पुंछी औरों को जिक्र किया तो क्यों ना हम प्रोग्राम की शुरुआत में अब्दुल पुंछी औरों को कलाम जड़ो है हमारा स्टूडियो में तशरीफ रखें गुलाम हसन तबस्सम साहब और जी जी। तो उन्होंने गुजारिश है कि वे अब्दुल पुंछी औरों को कलाम सीआरएफ़ी को कलाम जड़ो है वो पेश करें। Hey.
खुलक देखूं सारो मुल्क देखूं नजर निया तो वो चमकार मिलना हर ही रोज देखूं थारा रा बैठो अख दुख गई है गिन गिन बार मिलना ते आया जोर इस पुण च मां वली बन गए कसम रब गी नहीं एत बार मिलना अब्दल जोर डीठा शकल दार बंदा पुल तो हो नहीं वो लार गो यार मिलना एक इलम दीन थो अच्छा वो कह जाए कि अलामा ये साईं कादर बख्श साहब को चिलम भर के दे थो तो उसके नाल वे मलियार था बाग सब्जी सब्जी बेचे तो उन्होंने रखे हो तो नौकरों जी वो कोई टूटी फूटी एक साईं कादर बख्श साहब शेर के था तो उन्होंने ट्रांसलेशन भी चुका रहा था यू करता अच्छा। रहा था मस्त अलास्त हो बड़ी देर दे बाद उन्होंने मी कि जो जी चीज़ कही है वे किसी तरह ना किसी ने याद थी देना समझे था मजाक ही लोग जी जी तो उन्होंने वे उसको यह भी किया जाए कि वो इलम दीन नून ना तखलस किया उसने ना उसको इलम दीन तो या डॉक्टर रफीक डॉक्टर रफीक अंजम ने लिखे हुआ कि वे नून रंग नून है जात भी है तो इसराइल असर साहब ने कितने लिखे हो मजमून में पढ़े हो कि नून हो वे इलम दीन को आखिरी नून है उसने तखलस रखे था अच्छा जिस तरह इसराइल असर साहब ना उसकी माँ असरी असरी क्या थी उसने फिर असर ही क्यों मेरा मांग हो तो असरी नहीं तो असर तखलस रखूँ तो इस तरह उन्होंने नू नी का नाल ना कह था उन्होंने का अच्छा खासा शेर है वे उन्होंने क्या है कि तजब भी था या सीना बसीना के जो उस लोगों ने लिखे है फिर ये सरवरी साहब ने एक जम्मू के वेकड़े में था नुआए कौम उसके भी जगह दी थी गोजरी वास्ते गोशो रखे हो तो वे मैं भी देखा मेरे को अखबार तो यू अब्दुल को शेर भी उसमें मैंने थाया तो ये इसका तरह चार शेर नून पुंछी का तो बड़ा प्यारा शेर है उन्होंने भी बड़ा अनछोया ना वे उतना पढ़िया लिखा था वे चले हाथ में जो को कहता ना वे दीवाना बार तो बड़ो खूबसूरत तो क्यों ना प्रोग्राम ना आगे बताता हूँ नून पुंछी साहब और को कलाम गुलाम हसन तबस्सुम साहब और की आवाज़ में पेश की हो जाए पेश कर रहे हैं गुलाम हसन तबस्सुम साहब और बार तेरो मेरी जान कुर्बान बसारी ना चेतो हो ना बसारी जान कोली मरता हा दम तोड़ी कोनू हारी ना को संग करिए उस गए ऐ नाल मरिए दगो दे परदेस मारिए ना नून सदे जे तिना गुलाम तेरी मैं साहा नाल आइए पावे चारिए ना ऐसा नाल आइए पावे चारिए ना नून पुंछी साहब औरों को कलाम पेश कर रहा था गुलाम हसन तबस्सुम और तो अरब साहब इस गल ना आगे बताता हूँ तो मजीद दसेंगा कि सियारफी की सिनफ जेड़ी है या किस बैर में ज्यादातर लिखी जाए असल में यह कि एक बैर है या हमारा लोग जिन्हें इन्हें ना बना माँ जंगला माँ पहाड़ा माँ नसीब हो बसनों जी
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਗੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵਾ ਦਰਖਤਮ ਇੱਕ ਸੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਅਣ ਦੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸਿਸਕ ਜਾਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਿਰ ਇਸ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਅਰਫੀ ਦੇ ਮਰਾਦ ਇਸ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰੀ ਹਰਫ ਅਲਫ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਤੋੜੀ ਜਦੀਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖੇ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣ ਅਲਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ 8 ਸ਼ੇਰ ਹੈ 12 ਸ਼ੇਰ ਹੈ 14 ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਸੇ ਲਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਛਮਰਾਂ ਕੋ ਸਾਜ ਵੇ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਮਾਲਮ ਕੋਏ ਮਸਤ ਲਬੇਲੋ ਕਾ ਨਮ ਅੰਗਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਦ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇ ਸਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਜ ਤੋ ਸਹੀ ਵੇ ਕਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਂਗ ਕੋ ਲਾਰੋ ਇੱਕ ਪੀਂਗ ਪਰ ਆਦਮੀ ਚੜ ਕੇ ਚੁੱਜਿਆ ਨਾ ਵਾ ਪਿਛਾ ਦੇ ਠੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਤ ਤੁੜੀ ਜਾਏ ਵਾ ਇੱਕ ਬਹਿਰ ਹੈ ਉਸਮਾਂ ਕਾ ਅੜਾਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸਮਾਂ ਅੜਕਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸਮਾਂ ਚਾਰ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਦੀਫ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਆਪਣੋ ਆਪਣੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੌਥੋ ਮਿਸਰੋ ਬੜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੀਜੋ ਬੜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੂ ਚੌਥੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਗੋਜਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਤੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰੋਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ੁਹਾਬ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੋ ਫੁੱਟੋ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਯੂ ਕੰਮ ਕਰ ਛੁੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਉਂਡੀ ਸੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਥਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਥਾ ਤੇ ਵੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਥਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਸਵਾਨੀ ਕਰਦਾਰ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਆਪਣੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਥਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਥਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਉਸੇ ਦੌਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੰਗੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੰਘਣ ਦੌਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਵੇ ਰੋਏ ਥਾ ਤੇ ਯੋ ਨੂਨ ਅਬਦੁਲ ਜਿਹੜੋ ਯੋ ਮਸਤ ਕਿਤੇ ਬੈਠੋ ਵੋ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੋ ਤੋ ਰੋਤੋ ਰੋਤੋ ਨੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਂ ਤਮੀ ਥਾਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਪਟਕੋ ਸੋਹਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਂ ਬਲੰਗਣ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸਮਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਯੂ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਦਲੋ ਹੈ ਤੇ ਤਮ ਨਹੀਂ ਗੋਜਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਮ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੋ ਕਿੱਸੋ ਕਰੇ ਥਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਊਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਜ਼ਮਾਊਂ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਵੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿੰਗਾ ਰੇ ਰੁਸੀਏ ਨਾ ਬੇਦੋਸਰੀ ਤੇ ਅਤੇ ਚੱਜ ਕੋ ਜੱਜ ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਡਾਡ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋ ਤਬੋ ਬੇਵਫਾਈ ਕੋ ਲਾਈਏ ਨਾ ਕਹਿਦੂ ਕਦ ਛੋੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਖੁੱਡੀ ਟੰਗ ਤੱਕ ਭੋ ਗੁਮਾਈਏ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਪੁਰ ਸਾੜੀ ਜ਼ਾਰ ਚੁਗੀ ਹੁਣ ਏਕਲੀ ਨਾ ਸੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯੂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਰਹੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਲਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੋ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਐਸੋ ਤੇਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਆਲ ਇੰਗਾ ਕਸਮ ਰੱਬ ਗੀ ਹੋਈ ਤਬਾ ਟੋਲਾ ਤਿੰਨਾ ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਇੰਗਾ ਜੇਕਰ ਉਂਗਾ ਜਾਗੇ ਹੋਣੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਚੰਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋੜਨਾ ਦਿਲੋਂ ਖਿਆਲ ਇੰਗਾ ਉਂਗਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਾਮ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੁਣ ਤੋ ਜਾ ਕਨ ਤਰ ਖਿਆਲ ਇੰਗਾ
जी नाजरीन, ये था गुलाम हसन तबस्सुम साहब और पेश कर दिया था हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन लारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और अंकीसी अरफी। तो अरब साहब, इस प्रोग्राम ने आगे बताता हुआ हम नाजरीन ने एक चीज़ दसना चाहवा कि सीआरफी में बारह माह को जिस तरह तुमने जिक्र किया हो, बैतों को जिक्र किया हो, मतलब यह सिनफ चेड़ी है इस तरीके ना, तो क्या इस वक्त हमारा जड़ा जदीद शोरा कराम है वे भी इस सिनफ तर आ रहे हैं या कि वे सिर्फ गजल और नजमदारी ज्यादातर उनको जान रहे हैं? जद यहाँ शुरू हुई है यो 60 साल को अरसो जो सीआरफी छाई रही है जी, 20वीं सदी का शुरू दे लेके 1960-68 तक, फिर जिसमें बाजाबता लिखन लग गया, लोग थोड़ा सा पढ़न लग गया, तो फिर गज़ल ने उन चीज़ों ने यह जगह चीज़ ले ली है। आज भी लिखें कुछ लोग बड़ा, लेकिन बहुत घट चीज़ लिखें। डॉक्टर रफीक अंजम ने कुछ चीज़ लिखी है, असगर जहांगीर लिखे है, इकबाल अजीम साहब ने कुछ चीज़ लिखी है, लेकिन हूँ मुड़ के फिर अपनी दूजी चीज़ों दर जा रहे हैं। बैत जी है वह घट गई है, तो 60 साल पर इसकी बड़ी हुक्मरानी रही है। इसमें अपना पूरा ख्याल इजहार कर सके एक आदमी जो भी है, मरदा नूह मी रवाज वे तो मौत हो जाए, खुशी हो जाए, रात वे पार्टी बना के बैठते हैं, किताब ले लें, सैफुल मुलूक ले लें, बैत और इस बैतबाजी हम आज का ना इस तरह हमारा, हमने बचपन में वे चीज़ देखी है कि किस शायर का तेना कितना शेर याद है जी, वो बैस ला ला के लो हो जाती रही है, वे नहीं मुक्ता उसना बड़ो इसमें, और हर आदमी सुनने वालों के कि शायद यह मेरे वास्ते ही कही होगी। तो यो एक दौर था जिस पर सीआरफी को राज रहे हो, हुक्मरानी रही है, 1969 दे रेडियो कश्मीर की चीज़ शुरू हुई, उसके बाद लिखन पढ़न को काम शुरू हुआ, थोड़ा जो किताबी सूरत में कुछ चीज़ आई, तो फिर जाके इसने वाह सीआरफी वाली जगह गज़ल ने नज़म ने उन्हें तो रह जी बारह माह बिल्कुल ये एक ही सिनफ की है, वो किसी चीज़ का अलुफ ना या पट्टी ना याद हुआ है जी, अलुफ तो ले गए ये थोड़ी तो बारह माह महीना साहब ना है जी, महाराज साहब ना चैत से भी शुरू करें, बसाख पहलो जो वो बहार आवे चैत से शुरू करके बसाख तक जी, और कई लोगों ने महाराज इसमें चनगा साहब ना भी रवि अव्वल तो शुरू किया तो मुड़ गए इसमें पूरा साल को करता रहे, वे बारह माह को हमें और उसमें वे छोटी बैर माह भी में जरूरी नहीं कि यो ही वह, लेकिन अक्सर बारह माह जी है वह इसे बैत की बैर में इसे तर्ज में वो नंगा मिसरा एक महीना का चार होगा मसल चैत तम शुरू करेंगे चार मिसरा है, चौंगो रदीफ काफ़ी हो एक होगा, बसाख को अगर दूजो होगा उन्हें चौंग हो एक होगा जिड़ो भी शायर को आके जिड़ो रख सके, इतना फर्क है उसमें मन भी लिहाज ना तरंग इनगी साल सारो एक ही वेगो एक ही सुंगी चीज़ है या एक ही सिर्फ वहाँ पे जी जी। तो अच्छा अरब साहब, मतलब जड़ा शुरू का दौर का जड़ा हमारा शोरा कराम था जिस तरीके ने तुमने जिक्र किया अब्दुल पुंछी और उनको नून पुंछी साहब और उनको या उसके बाद का निज़ामुद्दीन लारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनका बाद का जड़ा शायर है, तो तब हमारी मालूम में ये बात करो कि और मजीद केड़ा केड़ा शायर हैं जिन्होंने ज़्यादातर इस सिनफ पर काम किया है? उस बड़े इन्होंने शमसुद्दीन महजूर तो हैं जी बड़ो, और वे बड़ा इसका माहिर था अरूज का जी, उन्होंने बड़ी अच्छी सी अरफी हैं। अच्छा फतेह मोहम्मद दरालवी हैं जी, साईं कादर बख्शी आला अपनी जबान नहीं थी वे पहाड़ी बोले था अच्छा, लेकिन उन्होंने गोजरी में शेर किए हैं जी, फिर अगर दूजा दौर आ गया उसको मौली मेहरदीन कमर साहब ने जी, फिर इसराइल मैजूर है, इसराइल असर हैं, जबी साहब हैं, ये अब्दुल करीम परवाज़ हैं, मोहम्मद हसैन बेदार है, और इस तरह बड़ा लोग मोहम्मद कासिम शमीम हैं, तकरीबन जितना भी शायर हैं आज तक उन्होंने इसमें आज नुआ लिखने वाला नूर मोहम्मद नाजिक है वो सिर्फ सीआरफी के उसने दो तीन दफ़ा हमारे ना शामिल हुए हैं जी। तो अच्छा प्रोग्राम ना आगे बताता हुआ हूँ पेश करेंगे गुलाम हसन तबस्सुम साहब और खुदा बख्श ज़ार साहब और उनको कलाम जी, गुलाम हसन तबस्सुम साहब। अल्फ अख केड़ी गलों बख रखे मेरो तके यो के कसूरड़िया तेरा तेरा वर फेरा हमेश मेरा नसे तू नित मेरा ते दूरड़िया जी। नाजरीन ये था गुलाम हसन तबस्सुम साहब और पेश कर रहा था खुदा बख्शार साहब और उनको कलाम। तो अरब साहब मजीद तम इस पर लोग कलो के इस वक्त
ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰਫੀ ਕੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਰਫੀ ਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤਸੱਵਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਰਅਸਲ ਤਸੱਵਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਿਜਰ ਓ ਫਿਰਾਕ ਕੀ ਤਸੱਵਫ ਕੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਨਾਫੇ ਸੁਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਸਮਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸਮਾਂ ਮਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਇਸ ਕੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਦੀਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਗੋਜਰੀ ਅਦਬ ਕੇ ਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਛੋੜਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨਫ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਸਿਆਰਫੀ ਕੀ ਸਿਨਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿਨਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਸਿਨਫ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਛੜੀ ਸਿਆਰਫੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਤਨੀ ਦਸਤਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਰਫੀ ਲਿਖਤਾ ਰਹੇ ਸਿਆਰਫੀ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਾਪਣਗਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕੇ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਟ ਕੇ ਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤ ਮਿਲੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਲਾਮ ਉਤ ਮਿਲੇ ਸਾਈ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਲਾਮ ਮਿਲੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੇ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਬੜੋ ਮਵਾਦ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਛਾਪੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰ ਸਰਚ ਕਰੇ ਲਗਾਉਣ ਮੇ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੈਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿਨਫ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕੇ ਆਦਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਾ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਤਾਤਾ ਵਾਂ ਹਮ ਇਸਰਾਇਲ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਮ ਚਾਂਦਣੇ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੀ ਕਸਕ ਛੂਪਾ ਰੱਖਣੀ ਗਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਸਰੇ ਆਮ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਉਸ ਨੰਗੀ ਗੁਲ ਸਾਦ ਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੋ ਸੋਜ ਸਲਾਮ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਕਤੀ ਆਸ ਗੀ ਚੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋ ਸ਼ੋਕ ਅਨਜਾਮ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਲ ਬੇਤਾਬੀਆਂ ਨਾ ਚਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਾਮ ਲੈ ਜਾ ਹਸਤੀ ਸੁਬਾ ਉਸ ਦਰੀ ਪਰ ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਯੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਹਸਤੀ ਸੁਬਾ ਉਸ ਦਰਬਰ ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਯੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਜਾ
उस गहरा ना जात रोक आइए, उस गहरा ना जात रोक आइए, असरियत रुआगा पर परी जाम ले जा, सीन साविये मस्त अलस्ते रूते मेरो हो दये सलाम उन पानियान, नंगा पाड़ीगा चाड़ी मा खेड़ खेड़े पतरी फूल जाने मेरा हानियान, अज भी अथरू शिंगेरांगा कर कर याद दिल शाद जीवानियाना, कहिए बावरा सर गिलास छिड़के, कहिए बाबरा सरगी आस छिड़के, दे जा काए उम्मेद न मानिया ना। जी नाजरीन कराम, इसराइल असर साहब औरंकी सी आर फी तम सुन रहा था गुलाम हसन तबस्सुम साहब औरंकी आवाज में। तो नाजरीन कराम प्रोग्राम ना आगे बताता हुआ हम गल बात को सिलसिले शुरू करा फिर, जिस तरह के सियाफी पर गल हो रही थी और तमने फरमायो कि सियाफी में बड़ा ऊंचा पाया का शायरा ने अच्छो कमाल हासिल कियो और इस सिन पर खास दस्तरस थी उन्होंने। तो अरफ साहब तुम दसेंगा कि इस वक्त मौजूदा दौर में जरा मारा मतलब नवा शायर जरा है वे बेशक गजल या दूजी सिनफों पर काम काज करने लगा है, लेकिन वे इस वक्त मारा कुदरती माहौल से दूर है जिसकी वजह तू या सिर्फ जड़ी है वे इस पर काम नहीं कर सकते। तो तुम के कहना चाहोगे? या भी एक हकीकत है कि नहीं वे चीज देता फितरी तौर पर दूर है, तो फिर भी बड़ा अच्छा चीज लिखे। एक अब्दुल हमीद मजाज है पहुंच बड़ी अच्छी शेर लिखे जी, अयाज सैफ भी चूं बैत बड़ी शानदार खुद भी कहे अपनी मीजे लोगों की उसकी आवाज भी अच्छी है। जहांगीर असगर है डॉक्टर रफीक अंजुम आल उन्होंने गज़ल बड़ो तारीख पर बड़ो काम किया, गोजरी अदब बड़ो मुकाम है, उन्होंने सियारफी लिखी है। इससे जान छुड़ा नहीं सकता, लेकिन उतनी जितनी भी पहले थी ना सिर्फ सियारफी सियारफी लिखे, लेकिन बड़ी कट लिखे तो मेरा मशवरा वे कदे इस पासे आवे ज्यादा ना जी, वे बहुत अच्छा लिख सकते। आरिफ साहब वक्त की कमी है जिसकी वजह तो हम इस खूबसूरत गुफ्तगू ना गए मतलब नहीं बता सकता। तब हमारा स्टूडियो में तशरीफ लिया गुलाम हसन तबस्सुम साहब और मारा स्टूडियो में तशरीफ लिया, तमने बहुत ही कीमती गलबात दसी और अपना नाजरीन ना खूबसूरत अपनी आवाज़ से महजूज कियो गुलाम हसन तबस्सुम साहब ने। तम दुआ को इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, अगली फिर किसी मुलाकात में तमना दावत देंगा और इस प्रोग्राम पर मजीद गलबात करेंगा। नाजरीन इसके नाल ही मारा अज का इस प्रोग्राम कारवां को वेड़ो मुक्या, अपना मेज़बान मुश्ताक खालिद चौधरी ना पूरा अमला के नाल अगली मुलाकात तक दियो भी दिया, रब राखो।